हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज के एक और न्यू डीजे व्लॉग में। सो गाइज, आज का हमारा वीडियो रहने वाला है एक कंपैरिजन सेटअप के ऊपर। यानी गाइज, आज हमारे पास है JBL का सेटअप वर्सेस हमारे लियोली का सेटअप। अगर गाइज आपके पास JBL का सेटअप है तो आप उस सेटअप को किसी दूसरे सेटअप के साथ कंपेयर करेंगे ही नहीं। लेकिन गाइज, आज हम जिस सेटअप का कंपेरिजन करने वाले हैं वो सेटअप JBL को भी फेल करने वाला है। ऐसा है हमारा मेड इन इंडिया का सेटअप। तो आज के इस वीडियो हम इन दोनों सेटअप यानी JBL और लियोली का फुल कंपैरिजन करने वाले हैं। इसकी पावर रेटिंग के हिसाब से, सबवूफर टॉप के हिसाब से कौन सा टॉप हैवी रहेगा, क्या पावर रेटिंग रहेगी, पूरा का पूरा वीडियो डिटेल के साथ में जानेंगे। और लास्ट में इनकी दोनों की क्या प्राइस रेंज रहने वाली है, कितना प्राइस के अंदर डिफरेंट रहता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो गाइस, वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हमारे JBL सेटअप की। तो JBL का हमने STX सीरीज से सेटअप लिया है। जो बेस है वो STX 828 मॉडल से रहने वाला है। और टॉप की बात करें तो JBL का STX 825 मॉडल से रहने वाला है। और हमारे टॉप का लुकिंग कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है। ये हमारा JBL का 2A 15 का टॉप है। इसकी पावर की बात करें 1600 वाट का इसका पावर रहने वाला है। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। मॉडल STX 825 रहने वाला है। ये हमारा JBL का पैसिव ओरिजिनल टॉप है। पावर के अंदर 1600 वाट RMS पावर का रहने वाला है। इम्पेडेंस ये 4 ohms के साथ में रहता है। 15 इंच के इसके अंदर 2 mid और लो के लिए स्पीकर यूज किया गया है। 1 इसके अंदर HP यूज किया गया है। इस टॉप का SPL 137 dB का रहने वाला है। और इसके अंदर स्पीकर्स की वॉइस कॉइल 4 इंच की यूज की गई है कॉपर के साथ में। और मैग्नेट इसका नियोडियम का रहने वाला है। वेट इसका 51 kg के अप्रोक्सी रहने वाला है। फिर हमारा JBL का STX 828 जो फ्रंट बेस के कैबिनेट के अंदर JBL का ओरिजिनल पैसिव बेस देखने को मिल जाता है। यहाँ आप इसके फ्रंट से डिजाइन से देख सकते हो। ये बेस भी हमारे CNC कटिंग के अंदर यहाँ पर आप इसका कैबिनेट देख सकते हो। इसके अंदर 18 इंची के 2 वूफर लगे हुए हैं जो 1000 यानी 2000 वाट का पावर रेटिंग के साथ में रहता है। विदाउट ग्रिल की बात करें तो यहाँ पर आप इसके डिजाइन को विदाउट ग्रिल के अंदर भी देख सकते हो। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो मॉडल STX 828 रहने वाला है। इसका पावर है वो 2000 वाट RMS पावर के साथ में रहता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक के लिए 18 इंची के 2 स्पीकर यूज किए गए हैं। इम्पेडेंस इसका भी 4 ohms के साथ रहता है। फ्रिक्वेंसी इसकी 37 से 120 Hz के बीच रहती है। वॉइस कॉल इसके अंदर 4 इंच की यूज की गई है कॉपर की वॉइस कॉल के साथ में। इसका SPL 138 dB का रहने वाला है। और वेट इसका 82 kg के अप्रोक्सी चला जाता है। सो गाइस, ये हो गया हमारा JBL का टॉप और बेस वाला सेटअप। अब हमारे कंपेयर करते हैं लियोडली के टॉप और बेस। क्या JBL को लियोडली टक्कर दे पाएगा या नहीं, और उसकी क्या पावर रेटिंग रहती है, कैसा सेटअप हम उन्हें यूज किया है, चलिए वो आप देख लेते हैं। लियोडली की सबसे पहले बात करते हैं टॉप की। सो गाइस, ये है लियोडली का F1 जो 3-way वाला टॉप है। यानी इसके अंदर लो, मिड और हाई के लिए अलग अलग ड्राइवर्स यूज किए गए हैं। इसकी पावर रेटिंग की बात करें तो ये हमारा 1800 वाट का रहता है। अब इसके फुल स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। मॉडल इसका F1 रहता है। ये हमारा 3-way यानी लो, मिड और हाई फ्रिक्वेंसी के लिए अलग अलग ड्राइवर्स यूज किए गए हैं। पावर के अंदर 1800 वाट का रहता है। मिस्टेक से 1600 वाट लिख दिया मैंने। इम्पीडेंस 4 ohms के साथ रहता है। लूप ड्राइवर ये यहाँ पर इसके अंदर 2 स्पीकर रहते हैं 15 इंची के। मिड के लिए यहाँ पर 12 इंची के एक रहता है। हाई फ्रिक्वेंसी के लिए 1 यूनिट ड्राइव रहता है। SPL इसका 133 dB का रहता है। और वॉइस कॉल इसके अंदर 4 की यूज की गई है 4 इंच। और मैग्नेट इसका फेराइट का रहता है। वेट इसका 61 kg के अप्रोक्सी चला जाता है। तो ये है गाइस 3-way टॉप। हालांकि यहाँ पर आपको इस टॉप के मुकाबले JBL के टॉप का SPL आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फिर बात करते हैं हमारे लियोडली के बेस की। सो गाइस, ये है हमारा लियोडली का LF9 बेस जो लियोडली का ओरिजिनल बेस रहने वाला है। इसके अंदर 2 18 इंच के वूफर्स यूज किए गए जो 1800 वाट के पावर के साथ में रहते हैं। इसके अंदर BNC के ड्राइवर्स लगे हुए हैं।
और ये बेस काफ़ी पॉपुलर भी है और परफॉर्मेंस भी शानदार रहने वाला है। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, अब मॉडल इसका LF9 रहने वाला है। इसके पावर की बात करें, पावर इसका 3600 वाट AES पावर के अंदर देखने को मिल जाता है। LF ड्राइव के लिए 18 इंची के 2 BNC वूफर्स यूज़ किए गए हैं और इसका इम्पीडेंस 4 ओम्स के साथ रहता है। फ्रिक्वेंसी की इसकी 30 से 160 हर्ट्ज़ के बीच मिल जाती हैं। इसके स्पीकर्स के अंदर कॉपर की 5 इंच की वॉइस कॉल यूज़ की गई है। एसपील इसका काफ़ी तगड़ा 140 dB का रहने वाला है और वेट इसका 6 kg के अप्रोक्सी चला जाता है। सो गाइस, ये हो गए हमारे JBL और Leodly के DJ सेटअप 2 टॉप और 1 बेस के साथ में। अब गाइस बात करते हैं, इन दोनों में से बेटर परफॉर्मेंस किसका रहेगा, किस सेटअप के अंदर बेस ज़्यादा आएगा, Leodly के अंदर या फिर JBL के अंदर। वैसे गाइस JBL अपने नाम से फेमस है, लेकिन गाइस यहाँ पर इन दोनों सेटअप की बात करें तो Leodly का सेटअप भी JBL से कम नहीं रहने वाला है, क्योंकि Leodly के अंदर BNC के वूफर्स यूज़ किए गए जो 1800 वाट के पावर रेटिंग के साथ में रहता है, जो 3600 वाट के प्रोग्राम पावर के साथ में है। सो गाइस ये सेटअप बेस के मामले में बात की जाए तो यहाँ पर फ्रेंड्स Leodly का सेटअप आपको साउंड के अंदर या फिर बेस के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। प्राइस की बात करें, सो गाइस प्राइस के अंदर आपको JBL के मुकाबले Leodly का सेटअप है वो प्राइस के अंदर सस्ता पड़ेगा। हालांकि इन दोनों सेटअप के अंदर आपके लिए बेस्ट सेटअप है वो भी Leodly का रहने वाला है। JBL सिर्फ नाम से महंगा है, लेकिन गाइस क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आपको Leodly का साउंड का जो परफॉर्मेंस है वो सबसे बेटर रहने वाला है।